नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मैं प्रभात एग्जाम के करंट अफेयर शो के 223वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूँ। नंबर एक, रेमडेसिविर के निर्यात पर लगी रोक। केंद्र ने देश में कोविड महामारी की स्थिति में सुधार होने तक रेमडेसिविर इंजेक्शन और इसे बनाने में काम आने वाले औषधीय घटकों के निर्यात पर पाबंदी लगा दी है। भारत में कोविड महामारी के मामलों में अचानक बढ़ोतरी आई है और इस समय देश भर में कोविड से संक्रमित रोगियों की संख्या 11 लाख के पार जा चुकी है, जिस कारण कोविड के इलाज में काम आने वाले इंजेक्शन रेमडेसिविर की मांग भी बढ़ी है। आज की तारीख में भारत की 7 कंपनियां रेमडेसिविर इंजेक्शन का उत्पादन करती है, जिनकी मासिक उत्पादन क्षमता 48,80,000 यूनिट की है। नंबर दो, प्रधानमंत्री ने टीका उत्सव की करी शुरुआत। 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने देश में 4 दिन के विशेष टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने सभी देशवासियों से 4 सिद्धांतों का पालन करने की अपील की है। पहला सिद्धांत है ईच वन वैक्सीनेट वन, यानी कि जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, बुजुर्ग हैं, जो स्वयं जाकर टीका नहीं लगवा सकते, उनकी मदद करें। दूसरा, ईच वन ट्रीट वन, यानी जिन लोगों के पास साधन नहीं है, उनकी कोरोना के इलाज में सहायता करें। तीसरा, ईच वन सेव वन, यानी कि मैं खुद भी मास्क पहनूं और दूसरों को भी प्रेरित करूं। और चौथा, कि किसी को कोरोना होने की स्थिति में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का काम समाज के लोग स्वयं करें। यह टीकाकरण उत्सव 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन संपन्न होगा। नंबर तीन, चीन की सरकार ने अलीबाबा पर लगाया $3.25 अरब का जुर्माना। चीन की सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन खुदरा कारोबार कंपनी अलीबाबा पर $3.25 अरब का जुर्माना लगाया है। आरोप है कि इस कंपनी ने कई वर्षों तक बाजार में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग करते हुए कुछ विक्रेताओं को अन्य प्लेटफॉर्मों पर जाने से रोका। यह जुर्माना कंपनी की कमाई के 4% के बराबर है। अलीबाबा कंपनी के मालिक जैक मा चीन के सबसे सफल व्यक्तियों में गिने जाते हैं। नंबर चार, महंत महामंडलेश्वर श्री भारती बाबू का हुआ निधन। गुजरात में दशनामी परंपरा के प्रख्यात महंत महामंडलेश्वर श्री भारती बाबू का हाल ही में निधन हो गया है। वे 93 वर्ष के थे। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भारती बाबू के निधन पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी भारती जी महाराज के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। बात करें दशनामी संप्रदाय की, तो दशनामी संप्रदाय का संबंध आदि शंकराचार्य से है। इसमें 10 संप्रदाय होते हैं। प्रत्येक संप्रदाय स्थान विशेष और वेद से संबंध रखता है। इनमें शंकराचार्य, महंत, आचार्य और महामंडलेश्वर आदि होते हैं। यह धर्म रक्षकों का संप्रदाय है। नंबर पाँच, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 12 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन की 1961 की ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। रूसी अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन 12 अप्रैल 1961 को वोस्टोक 3KA नामक स्पेसक्राफ्ट में पृथ्वी की सफलतापूर्वक परिक्रमा करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बने थे। उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा 108 मिनट में पूरी की थी। दोस्तों, अब समय आ गया है आज के सवाल का। आज का सवाल है कि फीफा ने निम्न में से किस देश के फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है। आपके ऑप्शंस हैं चीन, रूस, पाकिस्तान या बांग्लादेश। आप अपने जवाब हमें नीचे दे कमेंट सेक्शन में बताएं। हम इस पर कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि निम्न में से किस संगठन ने मिसाइल सिस्टम के उत्पादन में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भागीदार बनाने की अनुमति दे दी है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन है DRDO। आप में से उनको बताएं जिन्हें सही जवाब मिले। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो का PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी JPSC परीक्षा की तैयारी को फास्ट ट्रैक पर लाने के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है कंप्लीट बुक सीरीज। इसमें आपको मिलेंगी पेपर 1 और पेपर 2 की संपूर्ण गाइड बुक्स। ये किताबें हिंदी और इंग्लिश दोनों में तैयार की गई हैं। झारखंड सामान्य ज्ञान के लिए उपलब्ध है IAS डॉक्टर मनीष रंजन जी की झारखंड वस्तुनिष्ठ सीरीज, जिसमें है 7000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये बुक भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। इसके साथ ही पेपर 1 और पेपर 2 के प्रत्येक विषय पर भी हमारी किताबें उपलब्ध हैं, जिनमें है टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स। ये किताबें हैं लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड और इनमें लास्ट ईयर सॉल्व पेपर भी आपको मिलेगा। 100% एग्जाम रेडी होने के लिए आप पढ़ सकते हैं 15 मॉडल सॉल्व पेपर्स। ये बुक इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो आज ही ऑर्डर करें Amazon, Flipkart या नजदीकी बुक स्टोर से, क्योंकि इतनी सटीक किताबें आपको और कहीं नहीं मिलेंगी।